दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के नए ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस टाइप की वीडियो आप देख सकते हैं, टिकटॉक पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो पे एक दिन के अंदर में 1 मिलियन लाइक आ चुका है, और ट्रांजेक्शन इफेक्ट, इसके बाद स्लो मोशन, और यहाँ पर कलर बैकग्राउंड। यहाँ इस वीडियो में हम तीनों को कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकते हैं। दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल होम स्क्रीन पे, और वहाँ पर मैं बताऊँगा इस टाइप की वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। और वीडियो जब भी आप शूट करेंगे, तो यहाँ पर आपको 4 से 5 वीडियो आपको शूट कर लेना है, 4 से 5 सेकंड के, और सारे वीडियो होना चाहिए अलग अलग एंगल में, वीडियो को शूट करना है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करना है, 3D लूड, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद ओपन गैलरी में आपको क्लिक करना है। सबसे पहले वीडियो का बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं आप, तो सबसे पहले जो वीडियो आपने शूट कर रखे है, वो वीडियो को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टॉप 20 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस कलर पे आप क्लिक करेंगे, वो कलर आपको एक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 25-30 कलर ऐसे मिल जाता है, जहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो का कलर बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल यहाँ से डन करना है। डन करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। यहाँ पे आपको वीडियो जो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरह से वीडियो का कलर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। प्लस का आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। इसके बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से जो 4-5 वीडियो जो शूट किया था अलग अलग एंगल में, वो वीडियो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, और वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद मैं देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 पार्ट में वीडियो को शूट किया था। तो आपको भी इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो जो आपको शूट करना है 2-3 से 4 सेकंड के आसपास होना चाहिए। इसके बाद जो पहले वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव करना है। तो वीडियो को क्लियर को आगे की तरफ लेकर आना है। वीडियो पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो आपका जो है रिमूव हो जाएगा। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, और स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। तो फटाफट सबसे पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको ओरिजिनल वीडियो को लेकर आना है, जो टिकटॉक पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, और इसे आपको लास्ट तक लेकर जाना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना, और स्ट्रेक्ट आईडियो पे क्लिक कर देना। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आईडियो होगा वो बाहर आ जाएगा। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, और देखना आपको जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपको कैंची के निशान पे क्लिक करना है, और यहाँ पे स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, फिर से वीडियो पर क्लिक करना है, कैंची पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। और फिर से हमें वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है, और इसको फिर से हमें स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। और इसके बाद लास्ट का एक्स्ट्रा पार्ट है, फिर कैंची के निशान में क्लिक करना है, और ट्रिम टू राइट कर देना है। ये वीडियो जो हमारा रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमारे फर्स्ट वाले वीडियो अपना लेकर आना है, तो सबसे पहले इस वीडियो को हमें डिलीट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो वीडियो आपको फर्स्ट में लेकर आना है, वो वीडियो को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और इसे आपको प्रेस कर रखना है, और लास्ट तक इसे लेकर आ जाना है। तो देख सकते हैं फर्स्ट वाले वीडियो इस तरह से आएगा, सेकेंड वाले इस तरह से आएगा, फिर इसके बाद थर्ड वाले वीडियो को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेकेंड वाले वीडियो लेकर आना है, वीडियो पे क्लिक करना है, और लास्ट तक लेकर आ जाना है। तब वीडियो जो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो आपको फिर से इस वीडियो को पहले डिलीट कर देते हैं। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, तो हमारा वीडियो जो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से मैंने वीडियो तो सेट कर दिया हूँ,
इसके बाद इस आईडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लास्ट तक इसे लेकर आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो वीडियो यहाँ पर हल्का छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे आप वीडियो को आपको स्लो मोशन करना है। वीडियो पे क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्लो मोशन वीडियो कर लेना है। फिर से वीडियो पे क्लिक करना है, स्पीड कंट्रोल पे क्लिक करना है, वीडियो कर देना है स्लो मोशन। तो यहाँ पे वीडियो भी स्लो मोशन हो चुका है। वीडियो का बैकग्राउंड जो कलर मैंने बोला था वो कलर भी चेंज हो चुका है। तो वीडियो पे क्लिक करना है, इसके बाद हमें वीडियो में ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। तो मैं फर्स्ट वाले वीडियो में ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखो इस टाइप का मैंने दिया हूँ। सेकेंड वाले वीडियो पे फिर से क्लिक करना है, क्लासिक ट्रांजेक्शन पे आना है और इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद वीडियो के आगे तरफ लेकर आना, फिर से वीडियो पर क्लिक करना, उसके बाद क्लासिक ट्रांजेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जूम आउट पर फिर से दे देना। तो इस तरह से आप वीडियो को बीच बीच में ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हमें सॉन्ग ऐड नहीं करना हो क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो का आइडियो का एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, तो आइडियो हमारा नीचे आ चुका है। इसके बाद वीडियो को आपको शूट जो करना है 18 सेकंड या 15 सेकंड के आसपास होना चाहिए। इसके बाद आप वीडियो को लेयर में लेकर बराबरी लेकर आने के लिए वीडियो को स्लो मोशन मैंने कर दिया। तो वीडियो हमारा कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसके बाद वीडियो में हमारा जो ओरिजिनल वीडियो में हमारा जो वॉइस आ रहा है एक्स्ट्रा, तो सबसे पहले हमें सारे वीडियो को वॉइस जो है म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें वीडियो के लास्ट में वॉइस थोड़ा स्लो हो जा रहा है, तो हमें फिर से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। यहाँ पर लास्ट में जो वीडियो स्लो हो रहा था वो स्लो नहीं होगा, डन करना है। वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और वीडियो जो यहाँ पर तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पर ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।